जिस तरह फूल से भरा पराग चुरा लेता है, उसी प्रकार से सरकार को व्यापारियों से टैक्स लेना चाहिए। रीवा में टैक्स को लेकर प्रदेशव्यापी वर्कशॉप संपन्न हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस शुजाय पॉल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में टैक्स सलाहकार एसोसिएशन ने एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया। इस मौके पर वर्कशॉप का उद्घाटन करते हुए चीफ जस्टिस सुजाय पाल ने टैक्स और सरकार व्यापारी को फूल से जोड़ते हुए कहा, टैक्स वैसा होना चाहिए जिस तरह से भौरा फूल से पराग चुरा लेता है, वैसे ही सरकार को व्यापारी से टैक्स, दोनों का ही काम हो गया, पता किसी को नहीं चला। दिन भर चले इस आयोजन में टैक्स और उससे जुड़े भ्रांतियों को बाहर से आए एक्सपर्ट ने दूर करने के उपाय बताए। रीवा से ही पढ़े लिखे गोपाल, जो वर्तमान में मुंबई में टैक्स सलाहकार का काम करते हैं, से हमने बातचीत की। आपका रीवा से भी नाता रहा है, पहले तो अपना वो नाता आपको बताएं। मेरा रीवा से, मैं रीवा का ही हूँ। मेरा रीवा से नाता यह है कि मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई रीवा में हुई है। सन 1975 से 94 तक मैं रीवा में रहा हूँ और रीवा मेरा शहर है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं यही बताता हूँ, बिलोंग टू रीवा। ये आज रीवा में टैक्स को लेके एक सेमिनार हो रहा है, एक देश एक टैक्स की अवधारणा को लेकर, जो ये नई परंपरा जीएसटी की लागू की गई, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? एक सबसे बड़ी बात यह है कि रीवा में टैक्स कॉन्फ्रेंस, जब मैं टैक्स की तरफ गया था यहाँ पे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं था, आज यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए कॉन्फ्रेंस हो रहा है, एक मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और ये जो आपने जीएसटी के बारे में बोला है, ये किसी भी एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी के लिए होने वाली चीज़ थी और मैं इससे एग्री करता हूँ, जो आज सवेरे भी कहा गया कि जो इम्प्लीमेंटेशन था ये कुछ ज़्यादा बेहतर किया जा सकता था, मगर इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक और है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने जो भी सोच के हो, ये एक ट्रायल एंड एरर मेथड करके 1.5 ईयर्स में एक ये बताया कि हम लोग नो जो डिफेक्ट्स हैं उनको रिमूव किया, इसको पहले भी कर सकते थे तो वो ज़्यादा बेहतर होता था, क्योंकि जो व्यवसायियों को जो है तो ऑलरेडी डिमोनिटाइजेशन का फ़र्क पड़ा, उसके बाद में जीएसटी का भी थोड़ा बर्डन ज़्यादा हैवी गया, तो कुछ जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें थोड़ा पेनफुल ज़्यादा रहा। ये आम आदमी टैक्स को लेके पिछले काफ़ी समय से हमेशा परेशान रहता था, अक्सर कई तरीके के टैक्स होते थे, अब वो हटा के जीएसटी लागू किया गया, तो इसमें आम आदमी को किस तरीके के फ़ायदे होंगे? लॉन्ग रन में जीएसटी का आना बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि क्या होता है कि आप 10 जगह रजिस्ट्रेशन कराते हो और इतने स्टेट गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन है, इससे आपका जो कंप्लायंस का जो है कॉस्ट बढ़ जाता था, तो जीएसटी के आ जाने की वजह से आपका पूरा कंप्लायंस एक यूनिट के अंदर होगा, तो ये कंप्लायंस के लिए जहाँ तक काम का है वहाँ पर कम हो गया है, मगर जीएसटी को अभी और थोड़ा सा इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ रिटर्न्स जो हैं, जैसे पहले मंथली 3 रिटर्न्स हैं, फिर तो ऐसे देखेंगे 36 रिटर्न्स हो जाता है एनुअल, तो कंप्लायंस कॉस्ट के ऊपर उतना कम नहीं हो रहा है, मगर अगर कहीं जैसे डिजिटाइजेशन है और इसको अगर कहीं इन लोगों ने अच्छे से किया और मेरे ख्याल से कर ले जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने 1.5 साल के अंदर इतने सारे इम्प्रूवमेंट किए हैं, अगर कहीं ऐसा ही हुआ तो फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ, आज लगभग 2 साल होने को आए, जीएसटी को लेकर अभी भी काफ़ी किसी बहुत तरीके की अवधारणा लोगों में है, अभी भी वो जीएसटी को नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि वो सिंगल सा मामला, तो आप इसको एक हमारे दर्शकों को ज़रा समझाने की कोशिश करिए कि वो जीएसटी को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं उनको क्या वो बेवजह की हैं या उनकी वाकई ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने किस उनको उलझा दिया। मैं इसके लिए सबसे पहले बोलूँगा कि जो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र्स हैं जिन्होंने ये सेमिनार किया है, इन्होंने जो काम किया है सबको ये करना चाहिए, इन्होंने जो ऑर्गेनाइज़ करके सबको जैसे अवेयरनेस फैला रहे हैं जीएसटी के बारे में, ये काम करना पड़ेगा। ये टैक्स ऐसा है कि पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग टैक्स के बाहर चले जाते थे, मगर अभी जीएसटी में जो
फ्रेमवर्क है उसके बाहर जाना मुश्किल है। इसकी वजह से कुछ परेशानियां हैं, मगर अगर कहीं हम अवेयरनेस देंगे, जैसे यहाँ पे रीवा टैक्स एडवोकेट्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो एसोसिएशन ने काम किया है, इन्होंने क्या किया, प्रोफेशनल्स को ही नहीं पूरा इंडस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया है। ऐसे इन्वॉल्व करके अगर कहीं हम लोग ऐसे और कॉन्फ्रेंसेस करेंगे रीवा जैसी जगह पे भी, तो फिर मेरे ख्याल से अवेयरनेस आएगा। तो ये जो डर बन गया कि जीएसटी की वजह से नहीं कर पाएंगे, तो ये मेरे ख्याल से दूर हो जाएगा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आपका रीवा से बड़ा पुराना नाता रहा है, पूरी पढ़ाई लिखाई रीवा में करने के बाद आप बॉम्बे में इस समय वकालत कर रहे हैं, टैक्स के एक प्रदेश के नहीं देश के बड़े वकीलों में से हैं। रीवा दर्शन से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जावेद, मेरे फ्रेंड भी हो। जो आज का सेमिनार यहाँ पर टैक्स बार एसोसिएशन रीवा द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये रीवा के इतिहास में प्रथम सेमिनार है, और ये हमारी जो फ्रेटर्निटी है टैक्स लॉयर्स की, टैक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की और टैक्स प्रैक्टिशनर्स की, उसके लिए ये वरदान साबित होगी, क्योंकि इसमें हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे जो व्यवसाय के लोग हैं उनकी नॉलेज बढ़े, उनकी जो काम करने की क्षमता है वो बढ़े, और अधिकारियों के दबाव में वो ना आए, क्योंकि उनके पास अगर कानून की अच्छी जानकारी होगी, गहरी जानकारी होगी, तो कोई कारण नहीं है कि वो अधिकारियों के दबाव में आएंगे और उनकी अनुचित बातों को भी स्वीकार करेंगे। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये सेमिनार बहुत ही अच्छा हुआ है और इसका बहुत लाभ यहाँ के लोकल लोगों को मिलेगा, क्योंकि वैसे तो हम लोग सेमिनार पूरे भारत में करते रहते हैं, लेकिन यहाँ से जा कर के उन सेमिनार में शामिल होना एक बहुत महंगा काम होता है, इसलिए सब लोग उसमें नहीं आ सकते हैं। परंतु अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के ऊपर इस तरह के सेमिनार्स ऑर्गेनाइज़ किए जाएँ जिसमें हम लोग पूर्ण सहयोग देने के लिए हमेशा तत्पर हैं, ताकि हमारे साथियों को सीखने का मौका मिले, उनको एक्सपोजर मिले, उनको ये पता चले कि कानून में क्या परिवर्तन आ रहे हैं और कोर्ट्स के इन विषयों पर क्या जजमेंट्स हैं, ताकि दे विल फील मोर इक्विप्ड और वो अपना पक्ष जो है अधिक शक्तिपूर्वक प्रस्तुत करने में सक्षम हों। धन्यवाद सर। बताएं, ये आज जो सेमिनार हो रहा है इसका आम आदमी को, प्रोफेशनल्स को तो फ़ायदा मिलेगा ही, आम आदमी को किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा? मैं CA राजेश मेहता, चेयरमैन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर सेंट्रल जोन। आज हमने कैपिटल गेन और GST विषयों पे यहाँ सेमिनार आयोजित किया है। कैपिटल गेन पे मेरा उद्बोधन था, यह टैक्स प्रोफेशनल्स के सामने यह हमारी चर्चा हुई है, और कैपिटल गेन के कई सारे गूढ़ विषय हैं, कई सारे गूढ़ प्रावधान हैं, जिनमें गलती करके कई बार आम करदाता, आम व्यक्ति, आम व्यापारी गलती से इनकम टैक्स में उसे टैक्स भुगतना होता है, तो उसे किस तरह से कानूनी रूप से बचाया जा सकता है, किस तरह से इनकम टैक्स के रियल इस्टेट के प्रावधान, ज़मीन जायदाद खरीदी बिक्री के प्रावधानों में कानूनन रूप से टैक्स बचाया जा सकता है, अगर कानून के अंदर लीगल कोई प्रावधान है उसका उपयोग कैसे किया जाए। तो यह जो सेमिनार है इसका फ़ायदा रीवा के सारे आम व्यापारी और आम जनता को भी अवश्य जाएगा, क्योंकि उस आम जनता और आम व्यापारियों के ही सारे प्रतिनिधि ये टैक्स प्रोफेशनल और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जिनके समक्ष हमने ये कैपिटल गेन के, रियल इस्टेट के प्रावधानों की चर्चा की है। थैंक यू सर। आपने सर बताएं, ये आज जो सेमिनार हो रहा है ये इसकी अवधारणा क्या है और इसका कि आम आदमी को कैसे लाभ मिलेगा? मैं सबसे पहले तो बिंद टैक्स सेमिनार में आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि बहुत प्रतीक्षित था ये, पिछले साल दो साल पहले भी चर्चा हुई थी कि सेमिनार करना है, आज ये हमको अवसर मिला कि हमने यहाँ रीवा में आके सेमिनार को अटेंड किया। यहाँ आयोजकों का धन्यवाद और यहाँ जो स्पीकर्स हैं, जिनसे कि हमारे जितने भी टैक्स प्रैक्टिशनर्स, इवन दो हमारे व्यापारी, हमारे प्रतिनिधि, आम जनता को जो अभी GST और इनकम टैक्स से संबंधित यहाँ स्पीकर्स हैं, जो विसंगतियाँ, कठिनाई के बारे में जो सूक्ष्म जानकारी दी, उससे बहुत ही लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। जब प्रतिनिधियों को लाभ मिलेगा तो बेशक उनके जो व्यापारी वर्ग है उसको भी वो पहुंचेगा लाभ। 1 जुलाई 2017 से एक टैक्स एक राष्ट्र की अवधारणा को लेकर लागू किए गए GST के बारे में हमने लोगों से बातचीत की। एक देश एक टैक्स की अवधारणा को लेकर GST 1 जुलाई
2017 को लागू किया गया। जीएसटी लागू किए हुए 2 साल हो गए। रीवा में टैक्स एसोसिएशन की स्थापना 1992 में हुई। आज थोड़े से स्तर पर किया गया प्रयास आज इस तरीके से फलीभूत हो रहा है कि रीवा में टैक्स का एक विशाल दायरा बन गया है। काफ़ी लोग, काफ़ी हमारे वकील साथी टैक्स को लेकर काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि टैक्स को लेकर, ये जीएसटी, खासतौर से जीएसटी को लेकर जिस तरीके की भ्रांतियां हैं वो कैसे दूर हो सकती हैं। सर देखिए, मैं जीएसटी को लेकर के, जो जैसे आपका सवाल था कि आज 2 साल हो गए इसको लागू हुए और अभी भी इस पर काम चल रहा है, मीन्स ये अभी जो काम चल रहा है वो एक जीएसटीएन है, नेटवर्क जिसको आप इंटरनेट और इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ मानते हैं, उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे और थोड़ा सा इंडिया के साथ ये ड्रॉबैक तो यही है कि सिस्टम को उन्होंने इतना वास्ट नहीं रखा है, जितनी पॉपुलेशन है या जितना वॉल्यूम है वो उसको हैंडल कर सकें, तो उसमें लगातार अब ग्रेडेशन हो रहा है। लेकिन जीएसटी एज ए टैक्स और जीएसटी का जो बेनिफिट होगा एज ए नेशन वो बहुत विशाल है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक छोटी सी आपको बात बोलना चाहूँगा कि आपने इलेक्ट्रिसिटी का देखा होगा, बिजली की चोरी करते हैं जो लोग और बिजली का बिल भरना पड़ता है फिर उन लोग जो ईमानदार होते हैं, है ना, तो बर्डन अचानक से बढ़ता है बहुत ज़्यादा। लेकिन जीएसटी एक ऐसा टैक्स सिस्टम है जो अगले 3-4 साल में आप देखेंगे एकदम व्यवस्थित होगा, तो जो जिसकी जिम्मेदारी है, जैसे अपने ऑनरेबल जस्टिस चीफ गेस्ट ने कहा कि जस्ट टैक्स, जो आपकी जिम्मेदारी, जो आपका हिस्सा है जितना टैक्स देने का, उतना टैक्स आप दें, तो जब जिसका जितना हिस्सा है उसको देने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि कोई अब चोरी नहीं कर पाएगा इसमें। जैसा कि आज सुबह मैं भी था, सुजय पाल जी ने कहा कि फूल और पराग, एक बड़ा अच्छा उनने उदाहरण दिया कि फूल व्यापारी है, पराग उससे से जो भौरा ले जाता है वो सरकार, जीएसटी। एक इस तरीके के उदाहरण के बाद भी जीएसटी को लेकर बहुत भ्रांतियाँ हैं, लगातार इतनी भ्रांतियां कि 2 साल बाद भी सरकार अभी तक जीएसटी को आम आदमी तक ठीक से नहीं पहुंचा पाई, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत सही सवाल। अब देखिए, जैसे मैंने अभी कहा था ना, आप देख रहे हैं कि जीएसटी के रेट लगातार घट रहे हैं। जीएसटी काउंसिल जो बनी है, काउंसिल का फ्रेमवर्क आपको मालूम होगा कि सभी जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उसके मेंबर हैं और पूरे नेशनल लेवल पे उनकी मीटिंग होती है, हर महीने वो मीटिंग की जाती है, रिव्यू किया जाता है। देखिए, शुरू में उनको अंदाज़ा नहीं था कि हमें कितना टैक्स कलेक्शन हो जाएगा, डर था, सरकार तो बिना पैसे के चल नहीं सकती ना, तो उन्होंने जो उनके उस समय के रेट थे उसको पार में उसी हिसाब से उन्होंने उसको डिजाइन किया था कि इस पर इतना ही लेंगे हम, कि एक्साइज और वैट दोनों को मिला करके बर्डन ज़्यादा ना हो। लेकिन आपने ये देखा, कलेक्शन जब चालू हुआ तो उन्होंने उसको रिड्यूस करना शुरू किया, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप अपने आप समझ सकते हैं जी। आप लोग रीवा से जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने टैक्स को लेकर एक बड़ा सेमिनार कराया, ये शायद रीवा में पहली बार हो रहा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, इससे आप लोगों को, आपको क्या फ़ायदा होगा, रीवा की जनता को क्या फ़ायदा? देखिए, अमूमन जो सेमिनार हुआ करते हैं उन सेमिनारों में जो है वो केवल प्रोफेशनल्स का ही ध्यान रखा जाता है। अब रीवा में प्रोफेशनलों की संख्या लगभग 100 के आसपास है, है ना, जिसमें कि एसोसिएटेड जुड़े हुए लोग मान लीजिए 50-60 लोग ऐसे हैं, लेकिन 50-60 लोगों के लिए इतना बड़ा सेमिनार करना जो है वो उचित नहीं था। तो हम लोगों ने इसमें एक नया प्रयोग किया, इस बार हम लोगों ने क्या किया कि कुछ ऐसे व्यापारी जो कर के बारे में समझने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, लगातार उत्सुक रहते हैं, उनको, उनकी लिस्टिंग की हमने और उनको भी शामिल किया हमने इस प्रोग्राम में। तो जो सबसे यूनिक फीचर हमारे प्रोग्राम का रहा वो ये रहा कि जो हमारे व्यापारी थे, जो हमारे अदर प्रोफेशनल्स थे, उनका भी हमने यहाँ पे, उनको भी यहाँ पे इनवाइट किया, वो भी इसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया, और इसलिए ये प्रोग्राम जो है हमारा थोड़ा सा वृहद रूप से करने का हम लोग ठान पाए और कर पाए इसको। वृहद रूप से कार्यक्रम करने का आप लोगों ने प्रयास किया, इसको हम यहाँ पर ऐसा देख के लग भी रहा कि आपको उसमें कामयाबी मिली, क्या लगता है आपको कि आपके यहाँ पर क्लाइंटों को किस तरीके का फ़ायदा होगा? देखिए, फ़ायदा तो हम लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पे भी हम लोग बहुत सा समझा रहे हैं, उनको गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करवाते हैं, हम लोग सेमिनार अटेंड भी करते हैं, क्योंकि हम खुद जानेंगे तभी हम इनको बोल पाएंगे, अवेयरनेस कर पाएंगे। तो एक जो है इंक्लूसिवनेस इनके मन में बहुत दिन से था, हम लोगों के बीच में भी था, जैसे हम लोग पर्सनल मीटिंग भी करते हैं, इवन व्यापारियों के मन में बहुत सारा था कि हम लोग आएंगे
और जानकारी देंगे। इनका इनका जो सरकार का जो मेन मोटो है ये तो नहीं है कि आप बिजनेस मत कीजिए, बिजनेस कीजिए बट विद डिसिप्लिन। जैसे डिसिप्लिन अच्छी चीज़ है, किसी भी एंगल में आप लीजिए। और आप जैसे जैसे आप देख रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है वैसे वैसे जो इसमें संशोधन हो रहा है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग मानते हैं कि ये जो है सक्सेस रहेगा आने वाले दिन में, और चेंजेस आप देखेंगे। और मेरा ये विश्वास है जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, जितने आप देखिए ये यूरोप कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, सब जो है जीएसटी को लेके ही सब जो है आगे बढ़ा है। तो मैं मानता हूँ कि हमारा डेवलपिंग नेशन है, अभी उस स्टेज पे गए नहीं है, लेकिन अगर इसको अगर हम लोग इंप्लीमेंट कर लें और जान लें और डिसिप्लिन के साथ करें, तो मैं मानता हूँ कि हम लोग को जो है पॉजिटिव प्लस ही होगा इसमें, माइनस। पूरी दुनिया जीएसटी को लेकर ही, जीएसटी की अवधारणा को लेकर ही आगे बढ़ रही है, वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा को ही आगे बात बढ़ाई जा रही है। क्या लगता है आपको कि आज के सेमिनार के बाद आपके जो भी लोग हैं उनको किस तरीके का लाभ होगा? लाभ तो बिल्कुल होगा इसका, तो लोगों को ज्ञान पहुंचा है इस तरीके से, इस तरह का सेमिनार पहली बार है इस तरह का जो रीवा में हो रहा है, तो काफ़ी लोग आए और उन्होंने देखा अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स का, उन्होंने ओपिनियन जाना कि भाई कैसे तरीके से हम लोग इनका टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम फर्स्ट टाइम है, और आप लोगों ने भी देखा होगा सभी ने कि किस तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है और कैसे अच्छे तरीके से हम लोगों ने कंडक्ट कराया है। और लाभ निश्चित रूप से होगा, टैक्स की दिशा में लोग आगे बढ़ेंगे, भारत की रेवेन्यू, भारत का जो कहीं किसी भी जगह का संसाधन जो होते हैं वो टैक्सेस होते हैं, उसके हिसाब से देश चलता है, तो उसमें अवेयरनेस आएगी लोगों को, लोग बाग टैक्स देंगे और देश अच्छा बढ़ेगा, कुल मिलाकर अच्छा पड़ेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। क्या लग रहा है आपको कि आपकी जो सफलता दिख रही है इसका आगे वाले आने वाले समय में क्या असर होगा? सबसे बड़ा फायदा तो आज के सेमिनार का हमारे रीवा के लोगों को ये होगा कि आज भी आप देखेंगे कि कहीं भी कोई भी ज़मीन खरीदने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, लोग कहते हैं ये तो हमारी संपत्ति है, इसमें कोई चोरी नहीं कर रहे हैं। कानून में धारा और प्रावधान होते हुए भी उसकी जानकारी न होने के कारण वो अपराध कर देते हैं और बाद में उसकी सजा भुगतते हैं। अभी आपने देखा होगा कैपिटल गेन सेक्शन में राजेश मेहता जी ने एक बहुत बड़ी चीज़ बताई कैश ट्रांजैक्शन के लिए, कि हम 2 लाख से ऊपर किसी भी तरह का कैश ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें 100% पेनाल्टी है, 100% पेनाल्टी है। और इस तरह से बहुत सारे अवेयरनेस जो हमारे यहाँ लोगों को मिले हैं, वो अवेयरनेस उनको आगे आगे अपनी टैक्स प्लानिंग करने के लिए, और टैक्स प्लानिंग अननोन जो हमारे यहाँ मैक्सिमम जो केसेस हो रहे हैं इनकम टैक्स पे, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैक्सिमम जो केसेस हो रहे हैं जो इनकम टैक्स की पेशी करते हैं, इनकम टैक्स की पेनाल्टी सहते हैं, वो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल 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 इनोसेंट होते हैं, केवल कानून न जानने की वजह से धोखे से उनसे गलती होती है। ऐसी गलतियों से आज के सेमिनार के बाद हमारे रीवा को और आप लोगों के माध्यम से सबके पास ये बातें जाती हैं, तो सबको बहुत बड़ा फायदा होगा और लोगों से ऐसे गलतियों सबको काफ़ी फायदा होगा। आप इस सेमिनार को किस नज़र से देख रहे हैं? ये तो बहुत बढ़िया काम हुआ, जो बहुत पहले होना चाहिए, लेकिन हम लोगों की संस्था बड़ा छोटा रूप थी, धीरे धीरे हम लोगों ने इसको सबके विचारों को संग एकत्रित करके ये नया मतलब वो किया, और आज रीवा के व्यापारी और प्रोफेशनल सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा, सभी को इसको फ़ायदा मिलेगा। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सर, अभी हम सब लोगों ने यहाँ जो यहाँ के प्रैक्टिशनर हैं वो अपने जो ऊपर लेवल से लोग आए थे उनसे अपने सीख ली और इसको अपने क्लाइंट तक पहुँचाएँगे, और इससे अवेयरनेस बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ने से अपना टैक्सेशन का माध्यम बढ़ेगा और गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा इससे। एक देश एक टैक्स की अवधारणा को लेकर तरह तरह की भ्रांतियों को आज रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में रीवा की टैक्स एसोसिएशन ने दूर करने की कोशिश की। अपने तरीके का पहला प्रयास निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम, आम आदमी को जीएसटी को लेकर तमाम तरीके की जो भी भ्रांतियां थीं उनको दूर करने का प्रयास किया गया है। अब देखना ये है इस सेमिनार का रीवा की जनता को किस तरीके से आगे आने वाले समय में फ़ायदा मिलता है। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं रीवा के टैक्स प्रोफेशनल्स को आज के सेमिनार में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, जिसका लाभ निकट भविष्य में रीवा के व्यापारियों को जरूर मिलेगा। हम इस समय मौजूद हैं रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में। यहां पर टैक्स बार एसोसिएशन रीवा एक सेमिनार आयोजित कर रहा है, अपने तरीके का यह पहला अनूठा आयोजन रीवा में। मैं आपको बता दूँ, रीवा में टैक्स बार एसोसिएशन की स्थापना 1992 में हुई थी, आज लगभग 27 साल बाद
इस तरीके का आयोजन हो रहा है। टैक्स बार एसोसिएशन काफ़ी यहाँ पर फल फूल गया है, उन्होंने यहाँ पर आयोजन किया है। हमारे साथ काफ़ी वकील हैं, हम उनसे बात करेंगे किस तरीके का यह आयोजन है और इससे आम आदमी को किस तरीके का लाभ मिलेगा, ये बताएं किस तरीके का यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। जैसा कि इस आयोजन का उद्देश्य ही था कि कर का समझ लोगों में बढ़े, आम आदमियों में, अधिवक्ताओं में, सब में, उसके लिए सेमिनार का आयोजन किया गया था विंड टैक्स सेमिनार के नाम से। इसमें जगह जगह दूर दूर से वकील लोग आए, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य मुद्दा था कैपिटल गेन, संपत्ति खरीद बिक्री का, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे कर उनका अपनी कर की प्लानिंग करें कि आपको कम से कम कर लगे। इसके अलावा GST के संबंध में भी बहुत सी बातें बताई गई हैं, उसकी जो कमियां हैं उनके बारे में बताया गया है कि उनको दूर किया जाए तो इससे व्यवसायियों को इस प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। GST के बारे में बताया गया, मैं आपको बता दूं, GST 1 जुलाई 1917 को GST लागू की गई, एक देश एक टैक्स की अवधारणा के तहत। GST को लेकर क्या भ्रांतियाँ किस तरीके की दूर की गई? भ्रांतियाँ पूरी दूर कर दी गई। जो लोगों की समस्याएं थी वो हमारे यहाँ CA आए हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हाई कोर्ट के श्री गणेश पुरोहित जी आए हैं, पूरा जो है वाई सेक्शन एक एक तरफ से उसको क्लियर किए हैं। और हमारे समझ से जो कठिनाई थी भी अभी तक, तो उसको हम लोग जो जहाँ से लोग नहीं आए हैं सबको बता करके सब दूर कर लेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है आज का, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ हल है, चूँकि सब एक दूसरे से कंसल्ट कर रहे हैं, काफ़ी सीनियर्स आए हुए हैं, CA हैं इसमें, एडवोकेट्स वगैरह, तो सब एक दूसरे को एडवाइस बता रहे हैं, इससे करदाताओं को भी आराम फ़ायदा मिलेगा, करदाताओं को भी आराम। जैसे दुनिया में 127 देशों में लगभग GST लागू है, लेकिन इंडिया का GST सबसे जटिलतम GST है, तो संभावनाएं बहुत हैं, चुनौतियां बहुत हैं, उनसे धीरे धीरे पार किया जाएगा। अभी संभावनाएं बहुत हैं, चुनौतियां यानी संभावनाएं, संभावनाएं बहुत हैं, चुनौतियां बहुत हैं, क्या लगता है आप? ऐसा लगता है कि आज जो विंद सेमिनार आयोजित किया गया, इससे जो कर विधान में हुई जटिलताओं को समझने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया गया, रीवा की जनता को इतना अच्छा इससे लाभ मिलेगा कि जो समस्याएं थी उनको समझने का प्रयास किया गया। यहाँ पर जो जो कैपिटल गेन था या आयकर था या GST के संबंध में जो परेशानियाँ आ रही थी लोगों को, अधिवक्ताओं को, कर सलाहकारों को, उनको समझाने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा समझाया गया। अच्छा प्रयास, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा, बहुत बहुत प्रतीक्षित प्रयास था ये हम लोग का। हम लोग ने सोचा हुआ था कि यहाँ पे लोगों को बहुत टैक्स की प्रॉब्लम आ रही थी, रिफॉर्म हुए थे उसको दूर करने के लिए, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थी उसको दूर करने के लिए सेमिनार आयोजन किया गया था, उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव हुआ है। लोगों की बहुत तरीके की कठिनाइयों को निश्चित रूप से इस सेमिनार के बाद लाभ मिलने वाला है, ऐसा प्रोफेशनल्स का कहना है। जब उनको लाभ मिलेगा तो वो अपने आम लोगों को भी वह लाभ पहुंचाएंगे। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी। 1992 से गठित टैक्स सलाहकार एसोसिएशन ने अपने 27 साल पूरे किए, अनेक उतार चढ़ाव देखने के बाद आज उसने अपना एक अलग मुकाम बनाया है, आज का सेमिनार उसी का नतीजा है। रीवा में विंद टैक्स सेमिनार के नाम से हम लोगों ने इनकम टैक्स और GST के लिए एक ये पूरे देश और प्रदेश लेवल का एक सेमिनार किया है, जिसमें पूरे देश और प्रदेश के जाने माने विद्वान, अधिवक्ता, CA और कर सलाहकार उपस्थित हुए हैं, जो कि कर के बारे में हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, कर के बारे में हमको जागरूक करेंगे और सरकार को कर कैसे देना है, सरकार से कर से अनाधिकृत कर से अपने पैसे बचाना है, तो करारोपण में जो आतंक है उससे हम कैसे बचें, हमारे व्यापारी कैसे बचें, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग ये सेमिनार कर रहे हैं। विंड प्लेसमेंट टैक्स संबंधित ऐसा एडमिशन पहली बार हुआ है। इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों में जो कर के प्रति भय व्याप्त रहता है, कर क्या है, कब देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, या इसके प्रति जो भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करने के सेमिनार का आयोजन किया है। इसमें देश प्रदेश के विभिन्न जगहों के जाने माने जो वक्ता हैं, विधिक सलाहकार या एडवोकेट्स हैं, वो इसमें अब लोग भ्रांतियाँ दूर करने का प्रयास करेंगे कि कैसे करना हो रहा है। इसमें तमाम GST और इनकम टैक्स की जो समस्याएं हैं उसके निदान के बारे में जो है बताया जाएगा।